क्या खबर है बिहार में, आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की मुख्य खबरों पर। बिहार के अररिया में लूटकांड के दो अभियुक्त को पुलिस ने लूट में इस्तेमाल की गई बाइक, मोबाइल और 7000 कैश के साथ गिरफ्तार किया है। घटना पलासी थाना क्षेत्र की है, जहां दो दिन पहले अपराधियों ने एक लूट की घटना को अंजाम दिया था। पलासी थाना अंतर्गत दो दिन पहले एक लूट हुई थी 94,000 की अराउंड, और उस लूट में तत्परता से कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई है घटना के लिए उसको बरामद कर लिया गया है। जो मोबाइल अभियुक्तों ने यूज़ किया है वो मोबाइल जब्त कर लिया गया है, और अराउंड 7000 रुपये इस कांड पे जब्त हो चुके हैं। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा दूर जाने पड़ता हम लोग का। कटिहार में महानंदा के कटाव के डर से लोग सहमे हुए हैं। जैसे जैसे बाढ़ का पानी घट रहा है, कटाव और भी विकराल रूप लेता जा रहा है। कटान की जद में अब प्राणपुर प्रखंड के भगत टोला प्राथमिक विद्यालय भी है। विद्यालय के बच्चे प्रशासन से हाथ जोड़कर अपने विद्यालय को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीण और छात्र छात्रा आशंकित है कि उनके विद्यालय कभी भी नदी में विलीन हो सकता है। मेरा स्कूल को बचा लीजिए, कट रहा है, हम लोग कहाँ पढ़ पढ़ेंगे। कौन स्कूल है तुम्हारा? लाए प्राथमिक विद्यालय भगत टोला। अभी कहाँ जाते हैं पढ़ने? अभी महादेवपुर जा। बच्चा सब पढ़ेगा कहाँ? अच्छा, पढ़ने महादेवपुर अभी जा रहा है। क्या दिक्कत है बेटी को भेजने में? वहाँ रेल लाइन है। अच्छा, कैसे जाएगा वहाँ? बिहार के वैशाली में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बड़ी लूट को अंजाम दिया है। मामला जिले के राघोपुर दियारा इलाके की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने किराना व्यवसायी को दिन दहाड़े गोली मारकर 2,00,000 रुपए लूट लिए। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। महेंद्र सिंह धोनी बुधवार को कश्मीर में आतंकवाद विरोधी यूनिट में पहली बार तैनात होंगे। धोनी 15 दिन तक पैरा कमांडो बटालियन में रहेंगे, वहां पर सैनिकों के साथ गश्त लगाएंगे। पूर्व भारतीय कप्तान 15 अगस्त तक यहां पर रहेंगे। धोनी को यहां पर 15 किलो सामान के साथ चलना होगा। बिहार के 13 जिलों में आए बाढ़ से अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 88,00,000 से ज़्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। इसी बीच अच्छी खबर ये है कि असम में सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर अब घटने लगा है। पिछले 24 घंटे में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं मिली है। 3 तलाक बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास होने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने विरोध किया है। मांझी ने इस बिल को इस्लाम धर्म में हस्तक्षेप बताते हुए कहा कि इसमें धार्मिक अनुयायी असुरक्षित होंगे, इसमें एकता और अखंडता को भी खतरा है। मिथिला पेंटिंग और सुजनी कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर्पूरी देवी का सोमवार की देर रात निधन हो गया। वह 90 वर्ष की थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनका इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। कर्पूरी देवी को मिथिला पेंटिंग और सुजनी कला दोनों में ही महारत हासिल थी। बिहार में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र की है, जहां इंटर में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ मनचलों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। फिलहाल पीड़िता छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के बयान पर जिले के महिला थाना में 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना के बसेटा गांव में बुधवार को तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे तालाब में नहाने गए थे, लेकिन तालाब में अनुमान से अधिक पानी होने के कारण तीनों बच्चे डूब गए। बच्चों की मौत के बाद क्षेत्र में मातम छा गया है। छत्तीसगढ़ के जदलपुर में बुधवार को नक्सलियों की आईडी बम ब्लास्ट में देश की सेवा कर रहे लालंदा के रोशन कुमार शहीद हो गए। सिलाव प्रखंड क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी और सीआरपीएफ जवान रोशन के शहीद होने की सूचना जैसे ही गांव और परिवार वालों को लगी, वैसे ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया।